नमस्कार, निश्चल वास्तव में आपका स्वागत है। और आज सितंबर मंथ का प्रेडिक्शन मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एरिस के साथ। एरिस, आप इस महीने बहुत स्किल्ड और टैलेंटेड रहने वाले हो। आप जानते हो कि आपको अपने काम को कैसे हैंडल करना है और आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ पर्सन विद अ ग्रेट विल पावर। अपनी विल पावर से आप जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। विक्ट्री इज विद यू, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विद यू। आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए, उसको डगमगाने मत दीजिएगा। एनर्जेटिक आप रहेंगे, प्योर हार्टेड हैं, इसलिए चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ के कर पाएंगे। आपके अंदर बुराई नहीं है। जब हमारे अंदर बुराई नहीं होती तो चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आपके साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है तो चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। और हमेशा आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप बिना किसी गलत भावना के कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए। इस महीने आपकी पोजीशन भी अच्छी रहेगी, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका घर का एरिया हो। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी और आप में बहुत पोटेंशियल रहेगा अपनी सिचुएशन को हैंडल करने का। तो जो भी आप करेंगे इस महीने वो बहुत अच्छे से आप निभा पाएंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉरस, आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल रहने वाला है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नई शुरुआत दिखती है, आप नए तरीके से किसी काम को शुरू कर सकते हैं। जर्नी भी इंडिकेटेड है कि कहीं आप अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। किसी तरह का टारगेट आपने बना रखा है तो आप उसको अपने हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं। आप एम्बिशियस रहेंगे इस महीने, एनर्जेटिक रहेंगे, रिस्क लेने की आप में क्षमता रहेगी। और आप जब रिस्क लेके हार्ड वर्क के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। जेमिनी, मिथुन, आपकी विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है और सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। फुल फोकस्ड होके डिटर्मिनेशन के साथ काम कीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रख के भी आपको चलना है। सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड दिस मंथ। आप अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी उसके इंडिकेशन भी हैं। आप में ये क्षमता रहेगी कि आप लाइफ में जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उसको ओवरकम कर सकें, तो उस क्षमता के साथ आप आगे बढ़िएगा। और आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। ऊपर वाले का शुक्रिया हमेशा हर हाल में करना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहने वाला है, उसको यूटिलाइज कीजिए। कैंसर, आप के साथ रिलेशनशिप में मुझे अच्छे इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं। धोखा होने के चांसेस हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप में। अगर डिस्प्यूट बना हुआ है तो वो थोड़ा सा वर्स्ट हो सकता है। आगे ब्रेकअप हो सकता है आपका। आप इमोशनली थोड़े से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली बहुत बर्डन करके बैठ सकते हैं, तो वो मत कीजिएगा। जब हमें धोखा मिलता है तो हम दुखी बहुत होते हैं चीज़ों को लेके, कि हमने इतना विश्वास किया और उस पर्सन ने हमें धोखा दिया। मगर कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ अच्छाई भी होती है कि एक ऐसा रिश्ता जिसको आप ज़बरदस्ती लेके चल रहे थे अपने साथ, वो ख़त्म हो गया और अब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आगे बनती है लाइफ में।
सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, तो थोड़े संभल के रहिएगा। कम्युनिकेशन गैप अगर रिलेशन में है तो भी रिलेशंस ख़राब होते हैं, तो उनको भी कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की है, चाहे वो लवर्स की है, चाहे वो किसी तरह की भी रिलेशनशिप है, तो उसमें लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के चलेंगे तो लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। तो इस महीने आपने अवॉइड करना है लड़ाई झगड़े को, और कोशिश कीजिए कि अगर चीज़ें बात करने से सुलझ सकती हैं तो उनको आप सुलझा दीजिए। अब आते हैं लियो पे। तो लियो, आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी स्कैटर्ड दिख रही है, मतलब स्टेबल नहीं है आप। आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे, रैश डिसीजंस लेंगे जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। रेकलेस बिहेवियर रहेगा, इम्पल्सिव एक्शंस रहेंगे आपके। तो ये जब इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो हमें कहीं अच्छी जगह पे स्टैंड नहीं होने देती, या एक अच्छी जगह पे ला के हमें खड़ा नहीं करती हैं। जब हम चीज़ों के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं या लॉस्ट हो जाता है हमारा कंट्रोल चीज़ों के ऊपर से, सिचुएशन के ऊपर से, तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, डिलेज आर देयर। तो इस महीने मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी कि कोई भी डिसीजन आप लें, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, वो आपको हेल्प बहुत करेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो कन्या, वर्गो, आप अपने आप को महसूस करेंगे कि कहीं आप रुक गए हैं, आपको अब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, जो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। आप लाइफ में जब अपने आप को रुका हुआ महसूस करेंगे तो वेरी ऑब्वियस फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा, कि आप जब हम कहीं फंस जाते हैं तो हम हाथ पैर मारते हैं वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन आपके साथ ये है कि आप अपने आप को फंसा हुआ तो महसूस कर रहे हैं लेकिन निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो प्रोग्रेस भी अच्छा नहीं जा रहा है आपका। अगर आप बीमार हैं तो रिकवरी थोड़ा सा स्लो होगी, तो पेशेंटली चलिएगा, दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, नींद शायद आपकी डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं। तो अपने आप को केयर कीजिएगा और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मत दीजिएगा, और चीज़ें अभी जैसी हैं उनको एज इट इज़ ही रहने दीजिए और धीरे धीरे मूव करिए आगे। लिब्रा, आप थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शन दिखता है आपके लिए, और अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो मिसयूज़ कर सकते हैं अपनी पावर का। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। वो कन्फ्यूजन्स क्यों क्रिएट होंगी? क्योंकि आपके अंदर अभी चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप और बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। इतना नेगेटिव नहीं है सिचुएशन जितना नेगेटिव आप सोच रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन आपकी हो सकती हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बिकॉज जब क्लैरिटी नहीं है और चीज़ें जब क्लियर नहीं होती हैं तो हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और जब रॉन्ग हो जाते हैं डिसीजन तो वेरी ऑब्वियस हम स्ट्रेस में आते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा इस महीने, मगर अभी कुछ भी ऐसा काम करने का कि जिसमें कि आपको एक बहुत मेजर डिसीजन लेना हो तो ये राइट टाइम नहीं है। तो इसको अभी धीरे धीरे एक स्ट्रीम लाइन के साथ अपने आप को लेके चलिए आगे, अपनी लाइफ को आगे लेके चलिए, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आइए, और अच्छे तरीके से आप जब आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे तो चीज़ें वाकई में ही हैंडल हो जाएंगी। स्कॉर्पियो, इस महीने आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको रहेगी, मन में ये शांति रहेगी कि मेरे फाइनेंसेस आर ओके नाउ एंड यू आर एबल टू सेव मनी फॉर योर ओल्ड एज एज वेल, बिकॉज वो माइंड में है आपके, इस महीने आएगा भी,
कि मुझे वो अगर गेन हुए हैं तो आई हैव टू सेव फॉर माई फ्यूचर। गेन भी होंगे, आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है काम के लिए, जिसकी वजह से आप घर से जब बाहर जाएंगे तो घर के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहेगा आपका, लेकिन आप काफ़ी अच्छा अमाउंट सेव कर पाएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट भी रहेंगी वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगी। तो आप इस मंथ को यूटिलाइज़ कीजिए। सैजिटेरियस, आपके लिए रिलेशनशिप में अगर इशू है तो वो एक बिटर नोट के साथ एंड हो सकती है। आप थोड़े से नहीं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं, आपको जिसे कहते हैं कि पेन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये समझिए आपकी ये पेन जो आपको हो रहा है ये भी एक पेन की एंडिंग मोमेंट है, इसके बाद ये पेन ख़त्म हो जाएगा और हम आगे मूव कर जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके लिए लोग बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं, पीठ पीछे आपके लिए बोलना, गलत बोलना, वो काम कर सकते हैं, आपके मुंह पे और रहेंगे, आपकी पीठ पीछे और रहेंगे, लॉस फेस कर सकते हैं, सर्जरी अगर प्लान है तो सर्जरी के चांसेस बने हुए हैं, आप को लगेगा कि आप शायद चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एक्सीडेंट्स के भी चांसेस हैं, तो गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, अगर गाड़ी यूज़ नहीं करते तो आप रोड्स पे चलते हुए ध्यान रखिएगा। और ये मान के चलेगा कि अगर ये मेरा बुरा समय थोड़ा आया है तो ये भी बीत जाएगा, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, जो भी आता है आगे आने वाले समय में वो बीत जाता है। आपने अपने आप को उठाना है, आगे बढ़ना है, और ये ध्यान रखना है, और ये है कि फ्यूचर इज़ ब्राइट, तो आगे बढ़िए और इस सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल करते हुए आगे बढ़िए, मगर वॉच योर बैक, अपनी पीठ पीछे ध्यान रखिए, और जो पुराने इश्यूज़ हैं, ओल्ड इश्यूज़ हैं, उनको छोड़ के एक नया अपना शुरुआत कीजिए जीवन में। मकर राशि, इस महीने सक्सेस में मिलने में डिलेज हैं, पेशेंटली चलेगा, जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्रोग्रेस नहीं दिखता, आपकी लैक ऑफ डायरेक्शन इज ऑल्सो देयर, आपका जो सोचने का ढंग है या आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको रीचेक कीजिएगा। मोटिवेशन और एनर्जी लेवल दोनों ही की कमी मुझे दिखती है, डाउनफॉल फेस कर सकते हैं, क्लैरिटी नहीं रहेगी इस महीने चीज़ों को सोचने की, तो इस महीने आप मेहनत कीजिए, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसे आगे जाके आपको लाइफ में रिग्रेट करना पड़े। एक्वेरियस, आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं और बहुत सॉफ्ट नेचर आपका रहेगा इस महीने, केयरिंग हैं आप इस और केयरिंग रहेंगे इस महीने, सेंसिटिव रहेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी दुख पहुंचा जाएंगी, अपने आप से कनेक्ट रहेंगे, जितना अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, अपनी लाइफ की और लाइफ की मिस्ट्रीज जानने की क्षमता आप में रहेगी, काइंड हार्टेड आप हैं, आगे भी रहेंगे, इस महीने भी रहेंगे, जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, आप बेबी प्लान कर सकते हैं, और जो मैरिज प्लान कर रहे हैं उनके भी चांसेस हैं, आप मैरिज प्लान कर सकते हैं, और जिनका रिलेशन या जैसे कहते हैं कि लाइफ में प्यार का आना, तो वो भी चांसेस दिखते हैं, मगर हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। तो क्यूरियस, एंजॉय योर दिस मंथ। पाइसियस, स्लो प्रोग्रेस है, हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलेगा, लेकिन पेशेंटली, आपने भी पेशेंटली ही चलना है आप, लेकिन रिस्क टेकर नहीं रहोगे। हम जब किसी काम को करते हैं तो हमें रिस्क लेके आगे बढ़ना होता है, और शायद कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा डर जाते हैं रिस्क लेने से, तो आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है, तो पैसे का भी ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा।
आप जल्दी में नहीं रहने वाले हैं इस महीने, जो भी काम करेंगे आराम आराम से करेंगे, रूटीन वर्क सा रहेगा आपका, ट्रैवल हो सकता है काम के सिलसिले में, आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आप जो भी काम करें वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो उसका शेड्यूल बनाए उसको फॉलो करते हुए करिएगा तो काम बनेंगे, और जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। सो दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। आई होप आप इसको लाइक कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लिखिएगा। थैंक यू।